हैदराबाद के बेगम बाजार में अंबिका आभूषण ज्वेलर शॉप के ओनर संजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी दुकान पर लोग चांदी की चरक और चांदी की पतंग को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम संजय दवे है, हमारा दुकान का नाम अंबिका आभूषण भंडार है। ये हमारा दुकान 3-4 साल हो गए हमारे इधर लगा के, और ये अभी संक्रांत के टाइम पे हम चांदी के चरक और हमारे पास स्पेशल रहते हैं। लोग कहीं कहीं से दूर दूर से आके लेके जाते, संक्रांति में जब शादी होती ना, जब त्यौहार में डालते, चरक है, पतंग है, अलग अलग साइज के, लोग ऐसा कहीं कहीं से आके लेके जाते। पूरे इसमें छोटे बड़े सब अलग अलग रेंज रहते, और यहाँ लोकल के भी लेके जाते, और स्पेशल बाहर दूर दूर से भी आके लेके जाते चरक पतंग। मतलब दूर से बोलते हो, कहाँ से आते हैं लोग आपने? जैसा हैदराबाद के लोकल है, आजू बाजू गाँव के भी आके लेके जाते। ये आपको चांदी के चरक साल में एक ही बार बनाते हैं या हमेशा? ये बिकता साल में एक ही बार है, स्टॉक रहता हमारे पास कभी भी। अब संक्रांत आने से दो तीन महीने पहले हम स्टॉक बनाना चालू कर देते। ये किस किस चीज़ में काम आता है चांदी का चरक, ये पतंग? ये वही शादी में जब फर्स्ट शादी होती ना बच्चों की, तो त्यौहार डालते हम लोग हमेशा चांदी का चरक स्पेशली। तो ये खाली आपके समाज वाले ही लेके जाते हैं यानी अन्य भी लोग लेके जाते हैं? नहीं, और भी लोग लेके जाते हैं, सब जने। इसका 4,000-5,000 के आसपास देता, ये 4,000 तक आ जाती है अपने को। इसमें छोटा भी ले तो छोटा भी है, बड़ा और बड़ा होना तो भी मिलता, 1,000 रुपये से चालू है, 10,000 तक मिलती इसमें। ये संक्रांति जो है फेस्टिवल है ना, इसके लिए आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? संक्रांति के लिए तो संक्रांति सबके लिए अच्छी रहती है बस, और हमारा भी ये चांदी का बिजनेस चलते रहता, और अच्छा कोई भी कस्टमर देखे तो न्यूज़ वालों भी न्यूज़ में देख के भी कस्टमर आना हमारे पास। बोलिए, संक्रांति हमारे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हमारे पूरे देशवासियों को संक्रांति की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।